अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, अपने पुरखों की निशानी दिखाऊंगा। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पुरखों की निशानी है और आज से 25-30 साल पहले लोग इसे पक्का के नाम से जानते थे, क्योंकि इस गांव का ये पक्का की दीवार, पक्की दीवार सबसे पहले यही थी और सारे गांव के लोग यहीं पर आके बैठा करते थे, क्योंकि 25-30 साल पहले गांव में बिजली नहीं थी तो सारे लोग यहीं बैठा करते थे, रात में सोया करते थे बाहर में। तो आज मैं दिखाऊंगा, आप मेरे वीडियो में बने रहे, मैं घर के अंदर भी जाकर दिखाऊंगा कि मेरा ये पुरखों की निशानी कैसी है। ये मेरे एक्चुअली में मेरे फादर के परदादा ने बनाया था ये घर, तो मैं आज दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो पे आप बने रहें, मैं आज दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं धीरे धीरे आपको अंदर की तरफ ले जाऊंगा इस घर के। देख सकते हैं ये मेन डोर, आप देख सकते हैं इसे, ये आज से काफ़ी, मुझे लगता है कि 100 साल से ऊपर इस घर को हो गया। आप देख सकते हैं, अब इसमें सिर्फ हमारे एक छोटे वाले दादा इस घर में रहते हैं, बाकी लोग यहाँ से निकलकर अगल बगल में अपना घर बना चुके हैं। एक दादा की फैमिली रहती है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारा बचपना गुजरा। दोस्तों क्या दिन थे वो, ऐसा लगता है कि वो दिन फिर से लौट आए। यहाँ पे आने के बाद एक सुकून सी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पे भी घर हुआ करता था जो कि अब टूट गया। देख रहे हैं यहाँ कोई नहीं रहता, बस एक साइड में हमारे दादा की फैमिली रहती है और एक चूल्हा यहाँ पे हुआ करता था हमारे एक चची का, यहाँ पे हम लोगों का हुआ करता था। उस टाइम में ऐसा होता था कि हमारे घर में एक से एक पकवान बनता था, क्योंकि किसी न किसी चूल्हा में बहुत अच्छा खाना बन जाता था, तो हम लोग मिलजुल कर सब लोग खाया करते थे। कोई भी गेस्ट आते थे किसी को पता नहीं चलता था, सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। और इस घर की सबसे बड़ी खासियत मैं बता दूं दोस्तों, कि आज हम लोग जिस तरह न्यूक्लियर फैमिली पर आ गए हैं, ये 3-4 पुश्त हो जाने के बाद भी इस घर में आज तक कोई बाउंड्री नहीं पड़ी, ये अपने आप में एक मिसाल है। ऐसी मिसाल आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इस घर की सबसे बड़ी खासियत है। और इस घर को बनाने में जो बनाए थे वो अब्दुल रहीम मुख्तार साहब, जो कि ब्रिटिश हुकूमत में वो वकील हुआ करते थे, और उनके बेटा जो हमारे परदादा हुए वो स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। अभी मेरे दादा ने बताया कि इस घर में पैसा स्टेशन मास्टर साहब दिए थे और इस घर को बनाया था अब्दुल रहीम मुख्तार साहब ने। तो आज मैं अपने पुरखों को भी याद करता हूं और इस मुबारक महीना में उन लोग के लिए दुआ भी करता हूं कि अल्लाह पाक उन लोगों को अच्छी से अच्छी जगह दे, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, उनकी मगफिरत करें। दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से भी उन लोग को के लिए अच्छी दुआ करता हूं, क्योंकि उनकी ये निशानी हमें कुछ सबक सिखाती है, क्योंकि उन्हीं लोग की दुआ है कि देखिए आज तक इस घर में, इस आंगन में बाउंड्री नहीं पड़ी, क्योंकि तीन दादा हमारे थे, सब लोगों की फैमिली इसमें रहा करती थी। और आप मेरे वीडियो में बने रहे, मैं आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा आपको जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। वो शुगर फैक्ट्री सासामूसा में थी, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, तो वो डिप्टी चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, अब तो रिटायर कर गए मेरे दादा जान। तो आज मैं उनसे भी मिलाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ योगदान मुझे शेयर किया, जो कि आप जितने भी तालीम याफ्ता लोग इस मिथिला क्षेत्र के होंगे, दरभंगा में एक कॉलेज हुआ करता था, अभी भी है दोस्तों, वो मिल्लत कॉलेज के नाम से जाना जाता है। जिन दरभंगा में उस कॉलेज पे पॉलिटिक्स ऐसी हुई, जब वो स्टार्टिंग का वक्त था, सारे वहाँ के बड़े लोग आपस में पोस्ट के लिए झगड़ पड़े, तो दादा जान को पता चला जब वो शुगर फैक्ट्री में थे, उन्होंने बहुत मशक्क़त की और वहाँ के जो शुगर फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे उनको उन्होंने आगे किया, और बहुत मुश्किल से
उस अदाला को बचाया गया, जो बाद में फिर उन लोगों ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम कॉलेज स्कूल, मुस्लिम स्कूल है दरभंगा में, वहाँ गए। फिर मुस्लिम स्कूल में उस टाइम में लड़का लड़की एक साथ पढ़ा करते थे, तो शुगर फैक्ट्री के जो ऑनर थे उनको वो अच्छा नहीं लगा। फिर वो एक लड़कियों का एक अलग इंतज़ाम किया, जो कि बाद में सोगरा हाई स्कूल के नाम से, सोगरा गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो ये सब बनवाने में दादा जान का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आज मैं ऐसी शख्सियत से भी आपको मिलवाऊंगा। दोस्तों, मेरे वीडियो में आप बने रहें, क्योंकि दादा जान तो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और दो तीन दिन पहले उनकी कुछ तबीयत भी नासाज हो गई थी, तो वो तो कम बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा मिलवाने की। ठीक है दोस्तों, आप मेरे वीडियो में बने रहें। दोस्तों, मैंने बोला था कि मैं अपने दादा से मिलवाऊंगा, ये हमारे दादा जान हैं, तो आज ये कुछ आपके साथ ये भी शेयर करना चाहते हैं। दादा, कैसे हैं आप? ठीक है ना? अल्लाह की मेहरबानी है, ठीक है। अब हमारा वैसे तकलीफ तो है, लेकिन इंशाल्लाह रफा हो जाएगा, अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। दादा, वो मिल्लत कॉलेज का कुछ बताएंगे आप? वो एडवोकेट वजूद साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद वहाँ एक खलफसार मचा कि साहब हम प्रेसिडेंट हों उनकी जगह पर। पहले वजूद साहब थे, जब उनका इंतकाल हो गया तो उनकी जगह पर आने के लिए बहुत ही हल्ला हुआ कि साहब हम हों तो हम हों तो हम हों, जैसे कि अशरुल्ला अंसारी वो कहते थे कि हम हों, उसके बाद डॉक्टर हफीज कहते थे हम हों, डॉक्टर वहाब कहते थे हम हों, हुसैन वकील मधुबनी वो कहते थे कि हम हों। इस तरह से तमाम हल्ला हुआ कि साहब कॉलेज के इस इंतजार में कॉलेज के टूटने का खतरा था, इसको बचाने के लिए प्रोफेसर दाऊद और केन इंस्पेक्टर बिहार दोनों पहुँचे सासा मूसा शुगर फैक्ट्री। उस वक्त में अलहाजम अर्जुन साहब हेड ऑफिस कलकत्ता चले गए थे, यहाँ नहीं थे। तीन रोज वो ठहरे, उसके बाद उन्होंने बयान किया कि साहब हम इस मकसद से आए थे, लेकिन अलहाज साहब यहाँ नहीं हैं, इसलिए वापस जाते हैं। मायूस होकर और अंदाज मालूम होता है कि कॉलेज टखर बखर हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन अलहाज साहब का नाम आता है तो सब लोग अपना अपना मुहिम को वापस ले लेते हैं कि नहीं, उनसे बड़ा कोई आदमी नहीं है, वो सबसे बड़े डोनर हैं और सबसे ज़्यादा अमीर हैं मुसलमानों में, वो खुद चला सकते हैं कॉलेज को, इसलिए उनकी जगह पर आना हम लोग मुनासिब नहीं समझते और अपना अपना मुर्दा को वापस लेते हैं। जैसे वो जब मायूस होकर आने लगे तो उन्होंने हमसे कहा कि जब आवें तो उनसे हम लोगों का मुर्दा कह दीजिएगा, तो हम कहा कि अच्छी बात है, हम कह देंगे। वो दो तीन दिन के बाद अलहाज साहब जब यहाँ पहुँचे सासा मूसा, तो हम उनसे बयान किया कि प्रोफेसर दाऊद और केन इंस्पेक्टर दोनों आए थे यहाँ और आकर के ऐसा ये मकसद बयान कर रहे थे, तो आप नहीं आए तीन रोज में, तो हमने आपके तरफ से ये टेलीग्राम कर दिया कि प्रेसिडेंटशिप एक्सेप्टेड और टाटा मूसा शुगर फैक्ट्री, ये कहकर के कॉलेज को बचा लिया और टूटने नहीं दिया। दो तीन रोज के बाद अलहाज साहब ने कहा कि तब हम कन्फर्मेशन कर दें, तो उन्होंने कहा कन्फर्मेशन अंग्रेजी में कर दिया कि साहब हम ने फ्रांड रोज टेलीग्राम किया था कि साहब प्रेसिडेंट एक्सेप्टेड, तो अब हम आना चाहते हैं दरभंगा आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कॉलेज कैसा है। चाहे डेट मुकर हुई और उस अलहाज अमीरचंद साहब हमको लेकर के दरभंगा आए। दरभंगा में जब मालूम हुआ तो स्काउट का उनसे इस्तकबाल किया गया, ज़बरदस्त इस्तकबाल, फूलों के हार से भर दिया गया
और तमाम इलाके के लोग वहाँ पर उनको देखने के लिए पहुँचे। तकरीबन 20,000 आदमी आए और उनको देखने के लिए आए, तो उन्होंने यहाँ आकर के तकरीर किया कि साहब हम पिटिशन एक्सेप्ट करते हैं और इस कॉलेज से हर साल 12 आदमी को हम अपॉइंटमेंट करेंगे, समझा, और वो लोग करते रहे, समझा, अपने शुगर फैक्ट्री में। हाँ, शुगर फैक्ट्री में करते रहे। उसके बाद सासा मुछा के हर कोने कोने वो घूमे, जैसे मछली स्कूल महाराज दरभंगा में घूमे। हाँ, महाराज दरभंगा का तमाम यूनिट को देखा और जामा मस्जिद को देखा, तमाम मदरसे सबको देखा। सब देखने के बाद हर मदरसे में हर स्कूल में कुछ न कुछ डोनेट किया, रुपया डोनेट किया। और उसके बाद उन्होंने कहा, जब मुस्लिम स्कूल में पहुंचे तो लड़का और लड़की को एक साथ पढ़ते हुए देखा तो उनको नागवार गुजरा कि ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं, ये मुनासिब मुसलमानों के लिए नहीं है, लड़की का कॉलेज अलग होना चाहिए। चाहते जहाँ पर डॉक्टर वहाब साहब का अभी अदारा है, वहाँ पर किराया का मकान दिया गया और लड़कियों का कॉलेज अलग बनाया गया, सोगरा गर्ल्स हाई स्कूल। हाँ, सोगरा, उसमें वहाँ तलत भी टीचर थी, समझा। और उसके बाद सोगरा गर्ल्स स्कूल का नाम पड़ा और उसके बाद तब ये जमीन खोजी गई कि कोई जमीन मिले तो उस जमीन पर सोगरा गर्ल्स स्कूल कायम किया जाए। इसी अरसा में डॉक्टर कदीर साहब ने अपना जमीन डोनेट किया जो अभी मौजूदा कॉलेज है, और उस जमीन पर सासा मुछा से स्टाफ आए और पूरा बिल्डिंग बनाया। हाँ, स्टाफ, पूरा स्टाफ आया और आने के बाद यहाँ जो है सोरा हसन स्कूल का बुनियाद डाला गया और वो कॉलेज बना जो आज भी कायम है, सोरा गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से। हाँ, आज बना सोरा गर्ल्स हाई स्कूल बना और आज भी कायम है वो है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि दादा जान ने कितनी मेहनत की इस अदारा को बताने के लिए, और हमारे दादा जान का नाम इंजीनियर अहसन जरीफ साहब, जो कि माशाल्लाह हज भी किए हुए हैं ये, और इनकी सेहत अभी कुछ नासाज रह रही है। आप लोगों से दरखास्त करेंगे कि इनके सेहत के लिए दुआ करें। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें, लाइक करें, हाँ सब्सक्राइब करना न भूलें।